ठीक है, नीचे का पार्ट दिख रहा है तो कौन सा एंगल हो गया, व्यू हो गया, एंड व्यू, ठीक है, लेकिन ये वाला दिख रहा है बराबर। ये भी मैटर करता है कि ये साइड से दिख रहा है या कॉर्नर से दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, अगर हम इसको सीधा करते हैं ह्यूमन व्यू पे और थोड़ा सा इधर करते हैं, ये और ये मान लीजिए 50-50 अमाउंट में दिख रहा है, ये होता है कॉर्नर अपना, कितना परसेंट कॉर्नर वगैरह हो रहा है, क्योंकि ये जो है बॉक्स को हमेशा कॉर्नर्स होते हैं, ये है ना, ये कॉर्नर्स होते हैं, इससे पता चलता है, इस कॉर्नर की वजह से पता चलता है कि हम इसको फ्रंट से देख रहे हैं, साइड से देख रहे हैं या कॉर्नर से देख रहे हैं, समझ गए। हमारे सामने क्या है, जैसे यहाँ पे दिखाऊं, ये मेरे सामने है तो ये कॉर्नर है, ये मेरे सामने है तो ये फ्रंट है, इसका जो परसेंटेज होता है ये बहुत मैटर करता है, मैं आगे समझाऊंगा इसको कैसे कैसे परसेंटेज में डालना होता है, ठीक है। और आप यहाँ पे बैठ जाइए, मतलब आराम से बैठ जाइए, अभी बनाना नहीं है, ठीक है ना। देखिए, जब भी हम इंसान का पोर्ट्रेट बनाते हैं या ये करते हैं, तो उसको, जैसे मैंने बोला कि आपको ये सारे फंडामेंटल्स की स्टडी होनी चाहिए, फंडामेंटल्स में और सारे पॉइंट्स हैं वो बाद में आपको समझाऊंगा, सबसे पहले ड्राइंग बहुत मैटर करता है पेंटिंग से ज़्यादा, ठीक है। अगर जब तक आपका ड्राइंग कम परफेक्ट नहीं है, आप कितना भी अच्छा पेंटिंग कीजिए, सारा बेकार है, बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राइंग, सबसे मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है विजुअल आर्ट में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अभी यहाँ पे मैं ये बना टेक्निक बताता हूँ, बहुत इजी है। हमारा जो हेड होता है ना, आपको क्या लग रहा है, ये इंसान का हेड, इनमें से जो तीनों शेप मैंने बनाए थे, ये स्फीयर है ना, ये बॉक्स है और ये है सिलेंडर, है ना, इनमें से कौन सा शेप लग रहा है आपको? स्फीयर लग रहा है, ऊपर का पार्ट है ना, एकदम कोई बॉल रख दिया है ऐसा लग रहा है, राइट। और ये जो जॉ लग रहा है, ये कौन सा लग रहा है, बीच का बॉक्स लग रहा है ना, ये मतलब जो जॉ है वो बॉक्स है और ऊपर का जो क्या है बॉल है ना, मतलब स्फीयर है। तो इन दोनों को मिलाने के बाद हमारा क्या बन गया है, हेड बन गया है, ठीक है ना। अगर आपने स्कल को ऑब्जर्व किया, मैं एक ग्रुप में एक ऐप बताता हूँ, वो बहुत स्टडी के लिए ये होगा आपको, तो उसमें मैं लिंक भेज दूंगा, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी के लिए, ठीक है ना, किसी भी एंगल से अगर आपको बनाना है तो। तो बेसिकली हमारा जो हेड है ऊपर का पार्ट, वो क्या होता है, हमारा एक स्फीयर होता है, राइट, ऐसे, ठीक है। तो ये जो स्फीयर है हमारा, इसको नीचे से क्या किया है, हमने बॉक्स जोड़ा है, मतलब इसको क्या किया है, हमने बॉक्स में एक बड़ा सा बॉल ऐसे रख दिया है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, नीचे एक बॉक्स रखा है और उसमें हमने एक बॉल को ऐसे रख दिया है, तो एक स्ट्रक्चर जो होता है हेड का, वो ऐसे बन जाता है। तो इसको बनाते कैसे, ध्यान से देखिए, ठीक है। मान लीजिए सबसे पहले आपने ऐसा बॉल बनाया है, ठीक है, उसकी एक सेंटर लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है। इस ऊपर वाले और नीचे वाले को बराबर मात्रा में आपको डिवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद ये तीनों ऊपर का जो है ना, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है इक्वली, 1, 2, 3, और नीचे की भी 3 पार्ट्स में आपको इक्वली डिवाइड करना है, 4, 5, 6। टोटली हमने इसको किस पार्ट, कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 6 पार्ट, राइट। अभी ये जो ये लाइन है और इसमें से ये लाइन है, ठीक है, ये कितने नंबर की लाइन है, फर्स्ट, यहाँ से ये 0 है मान लीजिए, और ये फर्स्ट लाइन है ना, और इसमें से ये सेकंड लास्ट 5 नंबर की है, ठीक है। तो ये और ये, जैसे अगर आपने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया ऐसे, और यहाँ से भी आपने इसको क्या किया, बढ़ा दिया, ठीक है। तो इसमें से ये ऊपर वाला पार्ट छोटा है, इसमें से ये नीचे वाला पार्ट छोटा है, राइट। और फिर हमको ये 4 डॉट्स जो है ना, यहाँ पे मिलते हैं, आपको कुछ ऐसा एक्यूरेट नहीं करना पड़ता, ये बस हम एंगल समझने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, आगे समझाऊंगा इसका। फिर इसको भी हम क्या करेंगे, ऐसे छोड़ लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरे सर्कल में हमने जो स्क्वायर है इसको फिट किया है, राइट। हाँ, अभी आप इधर आए, जब भी अगर आप इंसान का हेड देखेंगे तो सामने की तरफ से थोड़ा सा चपटा लग रहा है, मतलब थोड़ा सा छोटा है, पीछे की तरफ थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, ब्रॉड लग रहा है ना, मुंह जो है ना थोड़ा सा ऐसा ये लग रहा है, आगे जाते हुए छोटा सा लगता जाता है, पीछे जाते हुए थोड़ा सा बड़ा लगता है, इसलिए इसका ये वाला जो पार्ट होता है ना फ्लैट होता है। आप अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक हल्का सा सर्कल दिख रहा होगा यहाँ पे,
जो यहाँ से स्टार्ट होता है ऐसे, और ये कंप्लीट एक फ्लैट एक चीज बन जाती है, मतलब एक बॉल को, एक पूरे बॉल को हमने दो साइड से क्या किया है, कट कर दिया है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो बॉल दिख रही है आपको, ये पहले हमारा स्पंज बॉल था, राइट। लेकिन हमने क्या किया, इसको दो साइड से क्या किया, चॉप किया। तो अगर हम इसको दो साइड से ऐसे चॉप करते हैं तो कुछ ये ऐसे दिखेगा, बराबर ये दिख रहा है ना ऐसे, बिल्कुल ऐसे दिख रहा है, राइट। तो हमने इस बॉल को दो साइड से चॉप किया है। अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो पार्ट है थोड़ा सा पीछे से बड़ा है, मतलब ये जो होता है ना, ये कॉर्नर, पीछे का जो कॉर्नर है थोड़ा सा बड़ा होता है, इसी वजह से ये पीछे से थोड़ा सा फूला हुआ लगता है, हल्का सा ऐसे, ठीक है। इतना जो पूरा फेड होता है उतना नहीं होता, थोड़ा सा ये राउंड होता है ऐसे, ठीक है, ये बन गया ऐसे। अभी अभी आप यहाँ पे ये जो लाइन देख रहे हैं ना, ये इसको हम बोलते हैं आईब्रो वाली लाइन। कौन सी लाइन? आईब्रो वाली लाइन। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, आईज वाली लाइन समझ बैठते हैं, यहाँ पे आईज नहीं होती है, आईब्रो वाली लाइन होती है, ठीक है ना। yes. क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था, अगर आपको एंगल देखना है किसी भी इंसान का, आईब्रो और ईयर का जो है ना, वो लाइन को देखिए। तो ये जो आप देख रहे हैं ना सामने वाली, ये फ्रंट वाली कौन सी लाइन है, ये आईब्रो वाली लाइन, समझ गए। देन ये वाली जो हमने मार्क की थी, ये होती है हेयर लाइन। कौन सी लाइन? जहाँ से इसके जो बाल होते हैं ना वो स्टार्ट होते हैं, दिख रहा है ये जो होती है ना, ये हेयर लाइन होती है, समझ गए। उसके बाद ये जो हमने यहाँ पे मार्क की थी, ये कौन सी लाइन है? नोज लाइन। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये जो है, मतलब ये वाला नहीं पार्ट, ये जो टिप होता है वो वाला नहीं, जहाँ से इसका नोज स्टार्ट हुआ है वो वाला पार्ट होता है हमारा नोज लाइन का, समझ गए। और इतना ही अगर आप इसमें अमाउंट लेते हैं, मतलब साइज देते हैं, तो नीचे अगर हमने एक नया मार्किंग किया है वो होता है चिन लाइन का। अभी ये दाढ़ी की वजह से दिख रहा नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो होता है ना वो चिन लाइन होती है। एक मार्किंग के लिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक्यूरेट करना है, 19-20 हो जाता है कोई दिक्कत नहीं, ये बस हम क्या करें एंगल समझने के लिए, समझ रहे, ठीक है। ये हो गए हमारी चिन की लाइन, समझ गए। अभी हमको क्या करना है, हमने ऊपर का तो स्पेयर बना दिया, नीचे से हमको क्या करना है, बॉक्स उठाना है, तो इसी को, ये जो लाइन दिख रही है उसको क्या करना है, आपको बढ़ाना है यहाँ से भी और यहाँ से, थोड़ा सा स्लैंटेड, और यहाँ एक कॉर्नर और यहाँ एक कॉर्नर जोड़ के आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है ऐसे। जैसे अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये व्यू कौन सा दिख रहा है आपको, एंगल कौन सा दिख रहा है, फ्रंट, गुड, ठीक है। फ्रंट से हमारा जो इंसान है वो कुछ ऐसा दिखता है, ये बहुत जरूरी है। फिर ये वाला जो दिख रहा है ना पॉइंट, ये यहाँ से और ये जो चीन का लाइन है उसको आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। तो एक तरह से आपको ये जो आयरन मैन का कोई हेलमेट होता है ना, वैसे आपका इसका शेप होता है। हेलमेट इसलिए इसका शेप ऐसा किया जाता है क्योंकि हमारा जो हेड है ना उसका शेप ही ऐसा होता है क्योंकि उसमें फिट हो सके अच्छे से, समझ गए। ये हो गया हमारा फ्रंट, ठीक है। अभी जब हम इसको थोड़ा सा साइड करते हैं ऐसे, ठीक है ना, ये जब पार्ट दिखता है सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। जैसे कि मैंने पहले ये सर्कल बना दिया ऐसे, है ना, तो उसका मिडल मैंने ये किया, इसको थ्री पार्ट में डिवाइड किया ऐसे ऐसे, है ना, तो ये समथिंग ये यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। यहाँ तक सब प्रोसेस फॉलो करने के बाद जो इतना साइज है ये और ये, ठीक है, सेम उतना ही ऐसे लेके यहाँ, फिर यहाँ पे ऐसा एक आपको बीच में एक सर्कल बनाना है, समझ रहे ना, ये बीच में सर्कल बन गया आपका, ये बड़ा वाला सर्कल और एक छोटा वाला सर्कल बन गया, दिख रहा है ना सबको। फिर ये जो बड़े वाली सर्कल की लाइन है वहाँ से आप वर्टिकल लाइन, जो आपकी ये वाली लाइन होगी, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऐसे ध्यान से देखिए, अगर हमने एक सर्कल बना दिया है, ये छोटा वाला सर्कल और बड़ा वाला सर्कल, सर्कल की जो साइज है वो मैंने कैसे बनाई है पता है ना, मैंने सर्कल की लाइन साइज, ये जो छोटा वाला सर्कल है ये, इसकी साइज मैंने कैसे ली है, इसको डिवाइड करके, राइट ना, क्योंकि बड़े सर्कल में वो कितना छोटा सर्कल होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए,
है ना। फिर ये बड़े वाले सर्कल के एंड से मैंने यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे बनाई है, ठीक है। अभी आप देखेंगे सेम ये वाली लाइन जो है ना, कौन सी लाइन है ये वाली? आईब्रो लाइन, गुड, ठीक है ना। तो ये जो है ना मिडल में, ये मिडल में ह्यूमन व्यू है, इसलिए जो मिडल वाली लाइन है वो है आईब्रो वाली लाइन। ये वाली कौन सी लाइन है? हेड लाइन, गुड। ये वाली? नोज लाइन, गुड। और ये सेम इतना ही अमाउंट अगर हम नीचे रखते हैं तो ये कौन सी लाइन है? चिन लाइन, ठीक है ना। ये सारी लाइन जो होती है बेसिकली सेम अमाउंट में होती है, जितना इतना है इसमें इतना है सेम इतना है, ये होता है अप्रॉक्स, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि एक्यूरेट सबका होता है ऐसे, कुछ कुछ लोगों का ये बड़ा होता है, किसी किसका ये छोटा होता है, किसी का ये छोटा होता है, डिपेंड करता है वो इंसान किस वैरायटी का है, ठीक है ना, वो अलग अलग होता है। और जो हेयर लाइन होती है ना वो स्टार्ट कहाँ से होती है? हमारा हेड का जो कॉर्नर है फोरहेड ना, वहाँ से ये जो हेयर लाइन है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और ये हो गई चिन। अभी ये जो दोनों बंदे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, हेयर लाइन से यहाँ तक जो है ना नोज तक, ये तो ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन ये जो चिन वाली लाइन है ना, ये ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि हम जो है माउथ ओपन और क्लोज करते हैं, समझ गए ना। तो अगर किसी ने ऐसे आ किया है, मतलब अपना जो जॉ है ऐसा किया है, तो ये जो लाइन है वो नीचे जा सकता है इसके नीचे, समझ गए ना। लेकिन इसके ज़्यादा से ज़्यादा इतने ही ऊपर आएगी, कम से कम ये रेस्ट पोजिशन में होता है, मतलब कुछ नहीं करने के बाद जो नीचे वाली आईज सॉरी दांत है वो ऐसे आ जाती है। इसी वजह से जो चिन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इतनी होगी, और मतलब बंद करने के बाद, लेकिन खोलने के बाद वो नीचे जा सकती है, समझ गया ऐसे। फिर उसके बाद ये जो लाइन है मिडल वाली, इसके थोड़ा सा पीछे से एक ऐसा स्लैंट लाइन बनने के बाद, एक लाइन ऐसे जोड़ने के बाद ये हमारा जॉ बन जाता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने बनाया ना ऐसे। अभी ये जो जॉ का कॉर्नर है या एंगल है वो डिपेंड करता है कि वो इंसान फीमेल है या फीमेल है, समझ गया। अगर फीमेल होती है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे जाएगा, थोड़ा सा कर्व होता है, और अगर मेल है तो ज़्यादा शार्प कॉर्नर आता है, इधर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कोई डाउट है? कोई अगर बैठ के सुनना चाहता है तो सुन सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आपको, अगर पैर दर्द करे तो, ठीक है ना, बैठ के सुनना है बैठ सकते हैं ना। अरे बेटी बेटी उम्र भी हो रही है।